लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता। वहीं रामनवमी के अवसर पर बड़ा बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा और यहां भी रैलियां व जुलूस निकाले गए। आपको बता दें कि पहली रैली उत्तर कोलकाता जय हिंद वाहिनी की तरफ से निकाली गई, जिसका आयोजन रवि ओझा के नेतृत्व में किया गया था। इसमें बाइक सवारों ने हाथों में भगवा झंडा लेकर श्री राम के नारों को लगाया और साथ ही साथ उनके नारों से पूरा बड़ा बाजार गुंजायमान हो उठा। तो वहीं दूसरी तरफ श्री श्री रामनवमी उत्सव समिति और बड़ा बाजार हिंदू जागरण मंच के द्वारा बैकुंठनाथ मंदिर से भी एक रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया और साथ ही श्री राम के नारों से बड़ा बाजार को एक बार फिर से गुंजायमान कर दिया। उत्तर कोलकाता तृणमूल जय हिंद वाहिनी की तरफ से रविवार को रामनवमी के अवसर पर एक बाइक जुलूस का आयोजन किया गया। ये जुलूस पोस्ता के 21 नंबर एमडी रोड से शुरू होकर बड़ा बाजार के विभिन्न रास्तों से होकर गुजरा। इस दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा बड़ा बाजार गूंज उठा। इस कार्यक्रम में सभी बाइक सवारों के हाथों में भगवा झंडा दिखा। इस कार्यक्रम का आयोजन रवि ओझा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राजेश सिन्हा, सचिन त्रिपाठी, श्रीधर पांडे, शक्ति प्रताप सिंह सहित भारी मात्रा में तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया। सभी को गेरुआ अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं जुलूस के दौरान सभी समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी दिखे। वहीं रविवार को ही बड़ा बाजार रामनवमी उत्सव समिति और बड़ा बाजार हिंदू जागरण मंच द्वारा बड़ा बाजार के बैकुंठनाथ मंदिर के पास से भी रामनवमी के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा मालापाड़ा, कलाकारी स्ट्रीट, सत्यनारायण पार्क, एमजी रोड होते हुए गुजरी। इस शोभा यात्रा में वार्ड 22 की पार्षदा मीना पुरोहित, वार्ड 23 के पार्षद विजय ओझा, वार्ड 42 की पार्षदा सुनीता झवर, दिनेश पांडे सहित भारी तादाद में लोग शामिल हुए। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिनों पहले जहां वो घरेलू हिंसा और पत्नी के साथ हुए विवाद को लेकर चर्चा में थे, तो वहीं अब वो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जब वो दिल्ली से देहरादून लौट रहे थे, उसी दौरान एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस घटना में शमी के सर में चोट आई है, जिससे उन्हें 4 टाके भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों से मोहम्मद शमी देहरादून में प्रैक्टिस के लिए वहीं मौजूद हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पत्नी हसीन जहां के आरोपों से आहत शमी अब सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार उनके साथ यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो देहरादून से दिल्ली वापस आ रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में शमी के सिर में चोट आई है और उन्हें 3 से 4 टाके लगे हैं। खबरों की माने तो शमी की कार ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद शमी फिलहाल देहरादून में ही आराम कर रहे हैं, हालांकि उनकी चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि शमी पिछले कुछ दिनों से देहरादून में ही थे और वो वहीं प्रैक्टिस में व्यस्त थे। बीते कुछ दिन शमी के लिए बेहद ही परेशान करने वाले रहे हैं। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर मारपीट, रेप, हत्या की साजिश, घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे कई आरोप लगाए हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से जांच करवाने के बाद उन्हें किसी तरह की मैच फिक्सिंग में लिप्त नहीं पाया गया और उन्हें केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया। बीसीसीआई की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद उनके लिए आईपीएल में भी खेलने का रास्ता साफ हो गया। आईपीएल के इस सीजन में मोहम्मद शमी दिल्ली डेयर डेविल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। इन सभी घटनाओं के बाद शमी ने बताया था कि उन्हें यकीन था कि वो बेदाग साबित होंगे और ऐसा हुआ भी। आद्यापीठ में मां आद्या देवी की 103वीं पुण्य तिथि पर 2000 कन्याओं की कुवारी पूजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कन्याओं को अच्छी तरह से सजाया गया था और उनके चरण को धो करके पहले उनकी पूजा की गई, बाद में उन्हें अच्छे पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से उनकी पूजा की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ आद्यापीठ में। आइए देख लेते हैं जिलों से जुड़ी खबरें झटाझट।
मालदा में चावल के गोदाम की चाबी को लेकर मालिक और श्रमिकों में हुई लड़ाई, तृणमूल कर्मी को हाथापाई में लगी गोली। उत्तर दिनाजपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई शोभा यात्रा, धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का पर्व। बहरमपुर के टाउन कांग्रेस के अध्यक्ष आतिश सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद उनके परिवार में शोक का माहौल व्याप्त है। उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी हो गई, दुकान का छत तोड़कर चोर अंदर घुसा था। हावड़ा में दो सफाई कर्मचारियों के बीच हुई झड़प में 3 कर्मी घायल, दक्षिण पूर्व रेलवे में काम ठप। मायापुर घूमने गए भारी संख्या में तीर्थयात्री हुए घायल, ईटाहार में हुए सड़क दुर्घटना के बने शिकार। बालूरघाट के रघुनाथपुर में भी जय श्री राम के नाम के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, सुरक्षा के बीच मेले का भी किया गया आयोजन। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में छात्र छात्राओं के लिए शुरू किया सबूत साथी प्रकल्प, लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिले के महेंद्रगंज इलाके में एक भंगार वाले के पास कुछ बदमाशों ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए साइकिलों को महज कुछ रुपयों के लिए बेच दिया। प्रशासन को ऐसे काम को रोकने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। দেখলাম একজন সরকার স্কুল থেকে যে সাইকেলগুলো দিচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সুবিধার জন্য, এবার সেই সাইকেলগুলো ভাঙাড়িদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? না, এটা ঠিক হচ্ছে না, কারণ একটা গরিব ছাত্র ছাত্রীর জন্য সরকার এত কিছু করতেছে যাতে সে সুষ্ঠুভাবে স্কুল যেতে পারে আসতে পারে, তার জন্য একটা সাইকেল তাকে দেওয়া হয়েছে, অথচ সেই সাইকেল এরা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, এটা ঠিক। बालूरघाट में गौड़बंग विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार एमए के परीक्षा के परिणाम सही घोषित किए गए। शनिवार को कॉलेज की ओर से एक सम्मेलन के जरिए पहली बार परीक्षा के नतीजे की घोषणा की गई। आज के आमादे प्रथम बार आमादे एखानटाय जे स्नातकोत्तर पर्याये पढ़ाशोना हय तीनटे विषय बांगला संस्कृत एवं इतिहास, तार रेजाल्ट प्रथम सेमिस्टारे रेजाल्ट बार होच्छे। 2017-18 শিক্ষাবর্ষ থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের এখানকার যে স্নাতকোত্তর বিষয়গুলো পঠন পাঠন হয় সেটাকে স্বশাসিত করেছে। স্বশাসিতের অর্থ হল যে এখানকার পরীক্ষা নেবার দায়িত্ব আমাদের। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में विश्व जोखा दिवस का पालन किया गया। शनिवार को एक शोभा यात्रा निकाल कर इस दिवस को मनाया गया। इस यात्रा में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी लोगों व छात्र छात्राओं में इस बीमारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाई गई व इसकी रोकथाम कैसे की जाए इसका भी निर्देश दिया गया। आज विश्व जोखा दिवस अर्थात सारा पृथ्वी जोखा বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের আদি যুগ থেকে শুরু হয়েছিল যক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই। তখন কোনো প্রতিষেধক বা চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না, এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের জেলাতেও চালু হয়েছে। আমরা শুধু যক্ষা রোগীদের মাইক্রোস্কোপিক অর্থাৎ স্পুটাম পজিটিভ ডায়াগনোসিস করি না, আমরা যক্ষা রোগীদের সিবিনেট মেশিনের সাহায্যে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ডায়াগনোসিস করি। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।